Hello friends, today we will study about state flower of Uttarakhand, jo ki hai Brahm Kamal. Declared as a state flower, called Kon Pandam in a local dialect of a Uttarakhand. Brahm Kamal is an evergreen plant of a rare species. Ye evergreen plant hai, hamesha paya jata hai. It is named Brahm Kamal in local liquid, matlab हम लोकली इसे हम ब्रह्म कमल बोलते हैं. इस साइंटिफिक नेम इज सोसरिया ओब्लिट. इस साइंटिफिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है. इट इज फाउंड एट ए हाइट ऑफ 3600 to 4500 meters इन ए कश्मीर. ये 3600 to 4500 meter कश्मीर में पाया जाता है, मिडल नेपाल में पाया जाता है, और वैली ऑफ फ्लावर इन उत्तराखंड. वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है. बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है. केदारनाथ में, शिवलिंग बेस, पिंदरी गैलेक्सी एक्सेट्रा रीजन. इट्स हाइट इज 70 to 80 centimeter. ब्रह्म कमल की हाइट कितनी होती है? 70 to 80 centimeter. इट ब्लूज इन ए बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर. ये कब कब फ्लावर, इसकी फ्लावर आते हैं? जुलाई और सेप्टेम्बर. इसकी 24 स्पीसीज हैं ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में, एंड इन द वर्ल्ड देयर आर 410 स्पीसीज. उत्तराखंड में पूछा जाए तो 24 स्पीसीज है, बट पूरे दुनिया में पूछा जाए कितनी है? 410 स्पीसीज अलग है. इट इज ब्लोइंग टाइम द एरिया फील्ड विद द फ्रेग्रेंस. जहाँ जहाँ ये उगता है वहाँ वहाँ बहुत अच्छी सी बहुत अच्छी स्मेल आती है. रेयर फ्लावर डिस्क्राइब इन ए वेदास. इसके बारे में हमारे वेदास में भी बताया गया है. मैथोलॉजिकली इंडियन लिटरेचर एंड महाभारत एट वेरियस प्लेस. इंडियन की जो लिटरेसी, जो हमारी अलग अलग जो हमारी बुक्स होती हैं भगवान की, या फिर अलग अलग जैसे महाभारता हो गया, वेदास हो गया, यहाँ भी इनके बारे में पाया जाता है. इन द 19 एपिसोड के महाभारत दिस फ्लावर डिस्क्राइब एज ए फ्रेग्रेंस फ्लावर. महाभारत में अगर जो 9th एपिसोड है उसमें इस फ्लावर को क्या नाम दिया गया है? फ्रेग्रेंट फ्लावर. इन ए टेम्पल ऑफ ए गॉड एंड ए गॉडेस इन सम ऑफ ए हिमालय रीजन दे इज ए ट्रेडिशनल. देखो कहीं कहीं पर जगह में हिमालय में इस फ्लावर को एज ए ट्रेडिशनल लिया जाता है. ये हमारी ब्रह्म कमल की फोटो देखिए, एक तरह का खूबसूरत फूल है.